लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सातवें चरण के लिए जनपद के दो लोकसभा सीटों के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोरखपुर सदर लोकसभा के लिए डीएम के कोर्ट में आरओ डीएम के विजयन पांडेयन तथा बांसगांव लोकसभा के लिए एडीएम वित्त व राजस्व के कोर्ट में आरओ अमित सिंह बंसल के द्वारा नामांकन किया जाना है। नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के श्याम नारायण यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि बांसगांव लोकसभा के लिए किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। जबकि सदर लोकसभा के लिए कुल 24 लोगों ने 41 सेट में पर्चे लिया। इसी प्रकार बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में 7 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है। नामांकन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्याम नारायण यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में निकले, जिनके समर्थकों को पुलिस ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 100 मीटर के पहले ही रोक दिया था। तत्पश्चात श्याम नारायण यादव अपने प्रस्तावकों के साथ डीएम कोर्ट कक्ष नंबर 1 में पहुंचे और जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सोमवार को पूरे दिन की गतिविधियों के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया। कहाँ जा रहे हो लोग, आप लोग कहाँ जा रहे हो भाई? वही व्यवस्था कर और अरे हमारा टाइम भी लॉस हो रहा है, तो हमारे पास 5 से 10 मिनट टाइम है। गोरखपुर और बांसगांव सांसदीय क्षेत्र का नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो गया। 3 बजे आज का प्रक्रिया तो समाप्त हो गया। 29 तारीख तक चलेगा, 29 तारीख को शाम को 3 बजे तक वक्त है। वैसे आज तो बहुत कैंडिडेट ने नामांकन पत्र लेके गए, अब तक का 41 पत्र का बिक्री हुआ है और तकरीबन 24 जो पार्टी
कैंडिडेट है उन लोग ले गए थे, और ये एक नॉमिनेशन अभी हुआ है, 3 बजे के थोड़ा पहले आ गए कैंडिडेट, उनका नामांकन एक हो गया है। ये पूरा शांतिपूर्वक माहौल से चल रहा था, आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग पर बैरिकेडिंग लगा रखा है। कैंडिडेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और 4 कैंडिडेट आ सकते हैं, फिर मीडिया बाकी बंधु आप लोग का भी सहयोग से पूरा शांतिपूर्वक हो रहा है। मैं आपका चैनल के जरिए से अपील करना चाहता हूँ, 19 मई का हमारा चुनाव है, भीषण गर्मी के समय में है, बट हम लोग पूरा सुविधा दे रखा है वोटर का। सभी पोलिंग बूथ में हमारा व्हील चेयर का सुविधा रहेगा, उस पर जो असमर्थ व्यक्ति किसी का भी व्हील चेयर का ज़रूरत पड़ेगा वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दो दिव्यांग वोटर हो और दो बुजुर्ग वोटर हो, जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 3 से ज़्यादा बूथ को हम लोग पंडाल का व्यवस्था भी करा रहे हैं, पेयजल का व्यवस्था तो होगा। उसके अलावा किसी विकलांगजन दिव्यांगजन का वाहन का भी ज़रूरत पड़ेगा, वाहन का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कराने के लिए अलग कर रहे हैं। उसके बाद पहले राहत हम लोग गोरखपुर में दे रहे हैं, खासतौर पर वोटर कोई अपने साधन से आकर के वोट देने चाहते तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आराम से आकर के आप दे सकते हैं। आपके अलावा कोई परिवार का सदस्य लोग भी गाड़ी से आकर के दे सकते हैं, कोई रोक नहीं है। बस बूथ से 200 मीटर का दूरी से आपका वाहन का खड़ा करते हुए फिर आकर के आप वोट दे दीजिए, वाहन में कोई रोक नहीं है। आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ, सभी वोटर लोग, ये एक तरफ देश का बड़ा पर्व है, चुनाव है, इसी पे पार्टिसिपेट करके अपने योगदान बढ़ाएं और जिम्मेदारी निभाएं, ये मेरा अपील है। वोट देने के लिए 1-1 घंटे बढ़ा दी गई है, अभी तो सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक आप वोट दे सकते हैं 1-1 घंटे। ये मौसम के वजह, गर्मी की वजह कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया है, ये भी एक बड़ा राहत है। आप लोग 7 बजे से आकर के आराम से वोट दे सकते हैं, कोई यदि डिले हो गया तो 6 बजे तक यदि बूथ के अंदर आ गए हम लोग आपको वोट पड़वा देंगे। इस बार तो पहले बार पूरे भारत में VVPAT का इस्तेमाल हो जा रही है, इस पर जो भी आप बटन दबाएंगे उसके बाद 7 सेकेंड के लिए किसको आप किस पार्टी को वोट दिए उसका चिन्ह इत्यादि डिटेल उस पर दिखाई पड़ेगा, उसके बाद आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं आप किसको दबाएं उन्हीं के वोट चला गया कि नहीं। ये पहले बार इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल नया मशीन आया हुआ है हर जगह गोरखपुर में, खासतौर पर जो कितने VVPAT और EVM मशीन लगा हुआ है बिल्कुल नया मशीन है, उस पर कोई फॉल्ट का कोई गुंजाइश नहीं है। उसका फर्स्ट लेवल का चेकिंग हो गया, सेकेंड लेवल का चेकिंग अभी चल रहा है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के सामने हम कराएंगे उसको, आपको भी बुला लेंगे कैसे चेकिंग। ये 12 तरह का जो विकल्प है गवर्नमेंट ने दिया है, वैसे खासतौर पर एपिक कार्ड हो गया है, आपका आधार कार्ड हो गया, और जो भी आपका फोटो युक्त पहचान पत्र सरकार माध्यम से जारी है, और बैंक पासबुक के इत्यादि उसी टाइप का 12 तरह का विकल्प है, वो हम लोग हर बूथ में चस्पा भी करेंगे। इस बार केवल वोटर पर्ची से आकर के आप वोट नहीं दे सकते, वोटर पर्ची केवल एक सहयोग के रूप से, एक आपको सुविधा के रूप से एक पर्ची है, उस पर आपको डिटेल मिल जाता है कौन सी बूथ में कौन सी क्रमांक संख्या में आपका वोट है, उतने तक का सहयोग है, बट केवल वोटर स्लिप से आप वोट नहीं दे सकते, उसके अलावा कोई अतिरिक्त कागज़ आपके लेके आना होगा। 12 तरह का विकल्प है, आपको पेपर में भी दे देंगे, हर बूथ में लगा हुआ जी। ना अभी भी वक्त है, अभी मान लीजिए नामांकन हमारा 29 तारीख तक चलेगा, उसके पहले तक कितने लोग फॉर्म भरा सकते हैं तो उतने भरा के जमा कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग अभियान तो बार बार चला करके लगभग सभी लोग का कवर कर चुके हैं। हो सकता है कोई लोग बाहर रहते होंगे काफ़ी समय से, हो सकता है तो कोई किसी की वजह उनका नाम कट गया हो, वही कुछ लोग रह गए, बाकी जो ज़्यादातर हम लोग का परसेंटेज देखेंगे हम लोग EP रेशियो यानी जो कितने मतदाता होना चाहिए था जनसंख्या के हिसाब से, वो हम लोग का तकरीबन बहुत ही अच्छा है, यानी तो 65% जो हमारा जनसंख्या का वोटर बना दिए, वो एक तरफ मानक के हिसाब से अच्छा है, अच्छा माना जाता है। बाकी जो छूटे हुए मतदाता का हमेशा हम स्वागत करते हैं, हम प्रयासरत रखते हैं जो कितने मतदाता छूटे हुए उन लोगों को।